नमस्कार साथियों, मैं सीमा गुप्ता आज फिर आप सभी के बीच आप सभी की ऊर्जा को जगाने आई हूँ। जी हाँ साथियों, मैं सीमा गुप्ता आज फिर आप सभी की ऊर्जा को जगाने आई हूँ और यह बताने आई हूँ कि यदि आप निराश हैं तो आइए अब उठिए और आगे बढ़िए अपनी सफलता के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। आज मैं उन युवाओं को संदेश देने वाली हूँ जिनकी यह समस्या है कि उनके घर वाले उनके आत्मविश्वास को गिराते हैं। जी हाँ साथियों, आज मैं उन तमाम युवाओं के लिए आई हूँ यह संदेश देने के लिए कि आप उदास न हो और अपने आत्मविश्वास को यूं डगमगाए नहीं। कई युवा साथी द्वारा यह कहा जा रहा है कि मैम, मेरे पिताजी कम से कम 2 से 3 बार दिन में मेरे आत्मविश्वास को गिराते हैं। तो कई युवा साथी द्वारा यह कहा जा रहा है कि मैडम, मेरे परिवारजन मेरे ऊंचे लक्ष्य पर भरोसा नहीं करते और उनके द्वारा यह कहा जाता है कि इतना ऊंचा सपना न देखो कि तुम्हारा सपना टूट जाए और इसलिए तुम जहां पर हो उसी धरा पर रहकर काम करो। तो उन तमाम युवा साथियों को कहना है कि यदि आपका सपना बहुत ही ऊंचा है, जी हां साथियों, यदि आपका सपना बहुत ही ऊंचा है तो उस हिसाब से आप अपने मेहनत को आज ही आरंभ कर दीजिए और कौन क्या कहता है उसको आप जवाब अपने सफलता के साथ दीजिए। जी हाँ साथियों, कौन क्या कहता है उसको जवाब आप अपने सफलता के साथ दीजिए। यदि आपके पिताजी को विश्वास नहीं है कि आप इस परीक्षा में सफल हो जाएंगे तो आपको यह चीज दिल पे लगाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि निश्चित रूप से घर के हमारे माता पिता वो हम सभी के शुभ चिंतक होते हैं। हमारे उज्ज्वल भविष्य और हमारे सुरक्षित भविष्य के लिए सदैव ही सोचते हैं, जिसके क्रम में वह कभी कभी आप सभी के उज्जवल भविष्य सुरक्षित भविष्य के लिए कहीं ना कहीं वो डर जाते हैं। इस वजह से वह इस प्रकार की शंकाएं व्यक्त करते हैं। लेकिन यह कहना कि आपके माता पिता को आपके उज्जवल भविष्य के लिए कोई लगाव नहीं है, यह प्रश्न चिन्ह खड़ा करना उचित नहीं होगा। यदि आपके माता पिता दिन में 2-3 बार या कभी कभार यह कहते हैं कि तुम्हारे बस की बात नहीं है तो आप अपने माता पिता को समझाइए कि पिताजी, निश्चित रूप से यह बहुत ही बड़ा लक्ष्य है, लेकिन यदि मैं इस लक्ष्य के प्रति पूर्ण समर्पित भाव से तैयारी करूंगा तो वह दिन दूर नहीं है कि अवश्य ही मैं पिताजी सफल होऊंगा और साथ में आप सभी का नाम भी मैं ऊँचा करूँगा। आप इस विश्वास को अपने माता पिता के सामने अवश्य रखिए और सेम प्रक्रिया आप अपने परिवारजन के सामने यह रखिए। यदि आपके भाई बहन या कोई भी इस प्रकार के प्रश्न चिन्ह आपके बड़े लक्ष्य के प्रति करते हैं, लेकिन यदि कोई बाहरी व्यक्ति आप पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है तो आपको किसी को भी समझाने की आवश्यकता नहीं है। बस आप अपने फैमिली वाले को अपने ड्रीम के बारे में एक बार जरूर बताएं कि मैं इस चीज की तैयारी करना चाहता हूँ और इसके लिए मैं पूर्ण परिश्रम करूँगा और यह भी चाहता हूँ कि आप सभी इसमें मेरा सहयोग करें, क्योंकि यदि परिवारजन आप सभी का सहयोग करते हैं तो निश्चित रूप से वह सहयोग आप लोगों के लिए वरदान साबित होता है। और यदि नहीं भी करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। यदि आप अपने उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं तो वह एक दिन जरूर आता है कि जो परिवार के सदस्य आपका सहयोग नहीं कर रहे होते हैं वो सबसे अग्रिम पंक्ति में होंगे आपके उस तैयारी में सहयोग प्रदान करने के लिए। बस आप उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आगे तो बढ़िए। जब तक आप आगे नहीं बढ़ेंगे तब तक आपके प्रति, आपके परिश्रम के प्रति, आपके लक्ष्य के समर्पण के प्रति आपके माँ बाप आपके परिवारजन का जो विश्वास का आधार है वो कैसे सशक्त हो सकता है। तो साथियों, आप एक मेहनत का बिल्डिंग तैयार करिए और उस बिल्डिंग का न सिर्फ आधार मजबूत हो बल्कि उसका जो लिंटर हो वो भी सशक्त हो। जब ये दोनों प्रक्रियाएं मजबूत हो जाएंगी तो वो दिन दूर नहीं है कि आप अवश्य ही सफल होंगे। और वही आपके माँ बाप जो दिन में 2-3 बार कहते हैं कि तुम्हारे बस की बात नहीं है, वो सबसे आगे होंगे ये कहने के लिए कि मुझे पूर्ण भरोसा था कि मेरा बेटा या मेरी बेटी सफल होगी और आपके तारीफ के लिए वो ऐसा ऐसा काम करेंगे कि आप स्वयं आश्चर्य में रहेंगे कि मेरे पिताजी जो कभी मेरे पर विश्वास नहीं करते थे वो कैसे मेरे लिए कितना कुछ कर रहा है। तो साथियों, अपने परिवार के प्रति जो आपके दृष्टिकोण है उसको बदलिए
और उसको बदलने का सबसे बेहतर विकल्प है कि आप अपनी तैयारी को मजबूत करिए, सफलता के मार्ग पर आगे बढ़िए। जिस दिन आप सफल होंगे उस दिन आपके जितने भी विरोधी होंगे वो प्रशंसक की लाइन में सबसे अग्रिम पंक्ति में होंगे। तो साथियों, मुझे पूर्ण भरोसा है कि आप अपने कठिन परिश्रम, सतत अभ्यास और लगातार अपनी तैयारी के पुनरावलोकन के माध्यम से आप देश के प्रतिष्ठित सर्विस में 100% सफलता के साथ उन तमाम लोगों को जवाब देंगे जो कि आपके सफलता के प्रति विश्वास नहीं कर रहे। साथियों, इसी आशा के साथ कि आप अवश्य ही इतनी खामोशी से अपनी तैयारी को करेंगे कि जिस दिन आप सफल हो उस दिन सभी लोग आपके सफलता के चकाचौंध को न सिर्फ स्वयं कहे बल्कि माने भी कि हाँ, यू कैन डू इट। जी हाँ साथियों, यू कैन डू इट। तो साथियों, इसी संदेश के साथ कि आप अवश्य ही इस आत्मविश्वास के गलियारे से बाहर निकलकर आप अपने परिश्रम के गलियारे में पहुंचेंगे, मैं सीमा गुप्ता आज आप सभी से विदा लेती हूँ। नमस्कार।